So my name is Sachin Singh. Welcome to my YouTube channel Physics by SSK Sir. And in last lecture we have discussed unitary dimension, right? It was a lecture number 5. Okay. And in this lecture we have discussed system of units, dimensions of physical quantity. Okay. उस लास्ट लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स और डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस किया था, राइट? और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. सो लेट्स सी व्हाट इज द यूजेस, क्या एप्लीकेशन है इसके. ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं. Uses of dimension analysis. Right? हमें देखने इसके एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या क्या है. ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन है इसका टू check the accuracy of formula. ठीक है, दूसरा है derivation of formula. ठीक है, और तीसरा है कन्वर्जन ऑफ ए यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. ठीक है, इसके तीन यूजेस हैं डायमेंशन एनालिसिस. ठीक है, पहले करेंगे कौन सा, टू चेक दी एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला. उससे पहले हम एक रूल पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, विमाओं की समांगता का सिद्धांत. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, जैसे कोई इक्वेशन हमारे पास कोई इक्वेशन है मतलब एस बराबर एक्स नोट टी प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस सी. ठीक है, कोई इक्वेशन मान लो पास, कोई मान लीजिए. तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक पद की डायमेंशन क्या होगी, आपस में कर लो जो डायमेंशन एस की, वो डायमेंशन किसकी होगी, सी की होगी. वही डायमेंशन किसकी होगी, एक्स नोट टी की होगी. वही डायमेंशन कितनी होगी, यू टी की होगी. वही डायमेंशन किसकी होगी, हाफ ए टी स्क्वायर की होगी, हाफ ए टी स्क्वायर. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार किसी इक्वेशन के प्रत्येक पद की डायमेंशन क्या होती है, समान होती है, उसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं. ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम किसी फार्मूले की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं. ठीक है, ओके, राइट. जैसे बताओ, जैसे बराबर, जैसे एग्जांपल ले लो, बी बराबर यू प्लस ए टी.
बी बराबर यू प्लस बी। तो जो डायमेंशन बी की है वो डायमेंशन किसकी होगी, यू की होगी, और वही डायमेंशन किसकी होगी, बी की होगी। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल, अब उसका एप्लीकेशन देखते हैं। पहला, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला, एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। देखो एग्जांपल, देखो जैसे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और प्लस टू एस, टू ए एस। ये क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन का। ठीक है, ओके। तो इसमें जो डायमेंशन बी स्क्वायर की होगी वो क्या है, यू स्क्वायर की होगी, भाई डायमेंशन टू ए एस की होगी। तो अब हमें ये चेक करना है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो क्या चेक करेंगे बताओ, डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर, ये साइन किसका डायमेंशन का है, बराबर डायमेंशन ऑफ यू स्क्वायर। अब बी क्या स्पीड है, यू भी क्या स्पीड है, और स्पीड एल टी माइनस वन होती है, कितनी होती है एल टी माइनस वन, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसकी आ गई, ये किसकी होगी, यू की होगी, एल स्क्वायर माइनस टू। एंड जो बी स्क्वायर की डायमेंशन हुई है वो किसकी होनी चाहिए, वो टू ए एस की होनी चाहिए। ठीक है, अब दो तीन तो डायमेंशन लेस है, ये क्या है डायमेंशन लेस है, डायमेंशन ए की होगी एस की होगी। तो बी स्क्वायर की डायमेंशन कितनी है, एल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और दो एक डायमेंशन कितनी थी एल टी माइनस टू, और एस की एल। तो कितना हो गया यहां से एल टू टी माइनस टू। तो सिर्फ क्या चेक कर सकते हैं, फॉर्मूला एक्यूरेट है या नहीं है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है, इसकी क्या है लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन ये है कि इसकी हेल्प से आप ये नहीं बता सकते कि फॉर्मूला एग्जैक्ट है या नहीं है, फॉर्मूला एग्जैक्ट है या नहीं है। जैसे देखो, जैसे मैं इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख देता, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए एस, तो डायमेंशनली तो करेक्ट है ये, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये केवल फॉर्मूले की एक्यूरेसी को बताता है, लेकिन फॉर्मूले का एग्जैक्टनेस को नहीं बताता, 100% फॉर्मूला आपका एग्जैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी लिमिटेशन है, ओके। लेकिन जो फॉर्मूला कहते हैं, जो फॉर्मूला इसको फॉलो नहीं करता, जो फॉर्मूला इसके फॉलो नहीं करता, मींस ये जिस फॉर्मूले में एल डायमेंशन ऑफ एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस होती है, ठीक है, वो 100% क्या होगा, गलत होगा, मस्ट बी रॉन्ग। ठीक है, ओके, मस्ट बी रॉन्ग, राइट। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, राइट। अगला देखो, अगला एप्लीकेशन क्या था इसका, अगला एप्लीकेशन था सेकेंड एप्लीकेशन, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, इसकी मीन्स क्या है, इसकी मीन्स ये है, अगर हमें ये पता है कोई फिजिकल क्वांटिटी कितने फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इफ वी नो, अगर हम ये जानते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसे देखो एग्जांपल, देखो सेंटी
सेंट्रीपेटल फोर्स एफ डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पार्टिकल एम वेलोसिटी वी एंड रेडियस ऑफ सर्कल then find expression for f ठीक है। यही बात समझ में, सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है वो मास m, वेलोसिटी v, रेडियस ऑफ सर्कल r पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें एफ निकालना, एफ कैसे निकालोगे जो बताओ आप, इसके मीन्स क्या है, एफ किस पर डिपेंड कर रहा है बताओ, एफ प्रोपोर्शनल किसके, मान ली एफ जो मास की पावर ए, वेलोसिटी की पावर कितनी बी, और रेडियस आर की पावर सी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां से प्रोपोर्शन हटाओ और एक कॉन्स्टेंट के ले लो, क्या एक कॉन्स्टेंट है, एम ए बी और आर सी। ठीक है, यहां से आप डायमेंशन चेक कर सकते हो, तो अप्लाई करो डायमेंशन ऑफ एफ बराबर के डायमेंशन ले दी डायमेंशन ऑफ एम। ठीक है, ऐसे डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ आर, राइट, तो डायमेंशन निकाल सकते हो इसकी आप, तो डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, डायमेंशन किसकी है, एफ की होगी, कि तो डायमेंशन लेस है, अब क्योंकि फिर को आप एक भी मान सकते हो के बराबर एक लेट, और मास क्या है, मास डायमेंशन कितनी होगी एम, तो ए बी की डायमेंशन कितनी एल टी माइनस वन, बी आर डायमेंशन एल, तो ये सी। ठीक है, ओके, तो यहां से आप देख सकते हो एम एल टी माइनस टू, तो एम एम कितना हो गया ए, कितनी हुई ए, एडम्स कितनी हुई बी प्लस सी, और टी डेम्स कितनी हुई माइनस, जैसा कंप्लीट कर सकते हो एम एक है एल एक, तो क्या एक इसके बराबर होगा, तो एक इसके बराबर होगा, एक के बराबर बी माइनस बी किसके बराबर होगा माइनस टू, बी बराबर टू, और बी प्लस सी किसके बराबर होगा एक के, तो बी बराबर टू है और सी बराबर एक है, जैसे सी कितना जाएगा माइनस एक। ठीक है, ओके, एम एल टी माइनस, ठीक है, ए बराबर कितना है, ए बराबर एक, और बी बराबर, और बी बराबर दो, और सी बराबर माइनस, यहां से आप देख सकते हो एफ कितना जाएगा, बताओ यहां वैल्यू तो एफ की, एफ बराबर के एम कितना है, ए कितना है एक, वी कितना है दो, और कितना है सी कितना है, मतलब एफ कितना आ गया के एम बी करोड़ पे, एम बी करोड़ पे, ऐसे आप डायमेंशन फार्मूला फाइंड कर, यही बात समझो, नहीं आई आ गई, ठीक है, राइट, ओके, तो अगला एप्लीकेशन करते हैं, अगला एप्लीकेशन क्या है, कन्वर्सेशन ऑफ ए यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम,
कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट थर्ड conversion of units from one system to another system. ठीक है, हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को कैसे बदलें, कैसे बदलें? हमारे पास कितने सिस्टम है? चार सिस्टम है यूनिट्स के। कौन कौन से बताओ? एनकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई ठीक है, ओके। तो राइट, तो देखो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या होती है इसके अंदर। चलो आप एक बात बताओ मुझे, जैसे मेरे पास 10 किलोग्राम कोई चीज है, मास 10 किलोग्राम, मास कितना है 10 किलोग्राम क्वालिटी को, आप इसे ग्राम में चेंज कर दो, एक किलोग्राम कितने ग्राम हुए? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम तो कितना के 10000 ग्राम होगा, 10000 ग्राम ठीक है। आप ग्राम को भी किसमें चेंज कर दो? मिलीग्राम में चेंज कर दो, ग्राम को भी मिलीग्राम में चेंज कर दो, मिलीग्राम तो क्वांटिटी कितनी होगी? 10 की पावर बढ़ गई, 2, 4, 6 मिलीग्राम। तो आप यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? एम तो सेम है, एम तो क्या है, हमारा सेम है, चाहे आप ये खरीदो, ये खरीदो, ये खरीदो, ये खरीदो या फिर ये खरीदो, कोई सी भी आप इसमें बाई कर सकते हो, क्वांटिटी क्यू तो सेम है, क्यू क्या सबके लिए सेम है, तब के लिए क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी सेम है। लेकिन क्या बदल रहा है? देखो चेंज हो गया, हो देखो जब हमारा मात्रक बड़ा है, यूनिट क्या है, बिग है, बिग यूनिट, बिग यूनिट, स्मॉल मैग्नीट्यूड, स्मॉल मैग्नीट्यूड, यही बात समझ में। जैसे जैसे मात्रक बड़ा होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना, उसका आंकिक मान, उसका आंकिक मान क्या होगा, उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यही बात समझ में। 10 किलोग्राम बड़ा यूनिट है तो उसका ये अंकित मान क्या है, बहुत छोटा है, अंकित मान कितना है, छोटा है। अब मैंने क्या किया देखो, अब मैंने यूनिट को छोटा कर दिया, अब जैसे मैंने यूनिट को छोटा किया, मैंने ग्राम में किया किलोग्राम से, तो अंकित मान क्या हो गया, बढ़ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई है ना। तो मैंने ग्राम से मिलीग्राम में किया, यूनिट और छोटा किया, न्यूमेरिकल वैल्यू और बढ़ गई। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, लेकिन हर बार क्यू सेम है हमारा, हर बार क्यू क्या है, सेम है। तो यहां से हम ये देख रहे हैं, अगर इफ अगर यूनिट जो है यूनिट छोटा करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। तो ये क्या है, दूसरे के, ये क्या है, दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही बात समझो, जैसे जैसे हम यूनिट को घटा रहे हैं, यूनिट को घटा रहे हैं, किलोग्राम से ग्राम में किया, ग्राम से मिलीग्राम में किया, वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मींस क्या, ये दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस एन प्रोपोर्शनल 1/u या nu बराबर कॉन्स्टेंट, क्या कॉन्स्टेंट। अरे भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई तो कॉन्स्टेंट ही रहेगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट ही रहेगी, ठीक है, ओके। तो देखो आप
राइट। तो अगला क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट एग्जाम्पल देखो, कन्वर्ट 1 जूल इंटू 1 अर्ब, 1 अर्ब ठीक है। जूल क्या है, एनर्जी का यूनिट है, किसमें, एमकेएस में, ये किसमें, एमकेएस में, और ये भी एनर्जी का यूनिट है, ये किसमें, सीजीएस में। हमें 1 जूल को 1 अर्ब में कन्वर्ट करना है, 1 जूल को 1 अर्ब में क्या करना है, कन्वर्ट करना है ठीक है। तो हमें एक चीज पता है, तो क्या पता है, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, क्यू बराबर एन यू बराबर कॉन्स्टेंट, बराबर कॉन्स्टेंट, या एन वन यू वन बराबर एन टू यू टू, एन टू यू टू ठीक है ओके। तो देखो राइट, तो 1 जूल, 1 जूल ठीक है, तो 1 जूल का मतलब क्या है, 1 जूल ठीक है, डायमेंशन कितनी होगी बताओ, बुझाओ मात्र है राइट, एम एल टू टी माइनस टू, टी माइनस टू ठीक है ओके राइट। एंड इसी तरीके से फीजेस की भी डायमेंशन सेम ही होगी, एक चीज रिलेटेड हो क्या, यहां से अप्लाई कर सकते हो अप्लाई, और इस चीज जो देखो यहां पर इस सिस्टम में, इस सिस्टम में एन कितना है, 1 है, एन कितना है, 1 है ठीक है ओके। एंड और 1 अर्ग, 1 अर्ग इस सिस्टम में एन कितना है, 2 है, एन कितना है सिस्टम में, 2 है ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो अब हम यहां पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, एन वन यू वन बराबर एन टू यू, एन वन यू वन बराबर एन टू यू ठीक है ओके। यहां से आप देख रहे हो कि यहां से आप देख रहे हो कि ए बराबर कितना है, 1 है, बी बराबर कितना है, 2 है, और सी बराबर कितना है, माइनस टू राइट। और यहां पे आप एक चीज और देख सकते हो, ये जूल में है, तो यहां पे एम1 कितना हमारे पास, 1 kg, एल1 कितना होगा, 1 मीटर, और टी कितना होगा, 1 सेकंड, ट्यूब कितना होगा, 1 सेकंड ऐसी। यहां तो इसमें देखो, इसमें m2 कितना हुआ, अर्ग में 1 ग्राम, 1 ग्राम, और l2 कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर, और T2 कितना हुआ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये चीज अप्लाई करके आराम से हम हमें निकालना क्या है ठीक है, और हमें यहाँ पे N2 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब हमें इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, N2 की वैल्यू निकालनी है। राइट, जो कैसे निकालेंगे, N1 U1 बराबर N2 U2, N1 कितना है, 1 है, N1 कितना है, 1, एंड U1 कितना है, U1, M1 L1 T1, U1 कितना है, M1 L1 T1
एम वन एल वन और टी वन, ठीक है। और डायमेंशन तो कितनी है इसकी, डायमेंशन ए बी सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी ऐसे एन टू कितना है, सेम एम टू ए बी सी दोनों की डायमेंशन एम एल टी सेम ही रहेगी, तो एफ एम टू निकाल सकते, कितना एम वन अपॉन एम टू पावर ए, एल वन अपॉन एल टू पावर बी, और टी वन अपॉन टी टू पावर सी। जैसे एम टू कितना बताओ, एम वन एम टू कितना, एम वन एम वन वन किलोग्राम, वन किलोग्राम, और एम टू वन ग्राम, वन ग्राम। पावर कितनी है बताओ, पावर एक, ऐसी वन मीटर, वन मीटर और वन सेंटीमीटर, वन सेंट पावर दो, सेकेंड सेकेंड पावर माइनस, इसी कट गया। वन किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वन किलोग्राम कितना होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एन टू बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, अपॉन ग्राम पावर एक, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ये तो एक हो गया, उसकी फर्क नहीं पड़ता, इसी कट गया, इसी कट, पावर तीन पावर दो दो चार, तो एन टू कितना आ गया, 4 और 3 7, 7। तो एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, ठीक है, ओके। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, इट इज ए कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू एनदर सिस्टम, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए, 1 न्यूटन को किसमें बदलो, डाइन में बदलो, डाइन में डी बाई एन बदलने से आप करना, 1 न्यूटन को डाइन में बदलना, 1 न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है, एम के एफ में डाइन क्या है, फिजीएस में फोर्स का यूनिट है, आप इसे चेंज करना, ठीक है। आप पाओगे रिजल्ट जो आएगा, 1 न्यूटन बराबर 10^5 न्यूटन आएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है, ओके, राइट। सो इस लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, एंड अगले लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, एरर, बर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, ठीक है, ओके। तो अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे ओवर टू, एंड फिर आप फिर वी विल डिस्कस अदर असाइनमेंट है ना, और उसके लेक्चर नोट्स मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिख दिया है उस पर, ओके। तो तब की आप प्रैक्टिस करो, और अगले लेक्चर के लिए आप ये वाला लेक्चर और इससे पहले वाला लेक्चर एक बार देखिए, ठीक है, ओके, बाय।